हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई एम बल्केश चौधरी, टीम जूलॉजी सीएलसी। बेटा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइनर 13 टेस्ट सीरीज के, और इसका टॉपिक है हमारे पास इवोल्यूशन सेकेंड, जिसमें आफ्टर एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बाद का जो चैप्टर है वो आएगा आया है, और एप्लीकेशन ऑफ जूलॉजी, इसमें कॉमन डिजीज, एड्स एंड कैंसर के बारे में। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू करते हैं। और 91 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एविडेंस? निम्नलिखित में कौन सा एविडेंस ऑफ अडैप्टिव रेडिएशंस, निम्नलिखित में से कौन सा बेटा अनुकूली विकिरण से उद्विकास माना जा सकता है? अनुकूली की अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब बेटा, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट करता है। जैसे हम बात करें, डार्विन ने जब नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी, उसमें गैलापागोस आइलैंड ऑफ साउथ अमेरिका गया, वहां पे डार्विन फिंचेज पे काम किया, उन्होंने देखा, उन पर रिसर्च की, तो उन्हें पता चला कि फूड रिसोर्सेज के कारण, हैबिटेट के कारण, स्पेस के कारण, रिप्रोडक्शन के कारण क्या हुआ, स्पीसीज में डेवलपमेंट होते गए अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। अडेप्टिव रेडिएशन, अडेप्टिव का वही मतलब है कि अपने आप को उन्होंने अडेप्ट किया। तो पहला, डार्विन फिंचेज का उद्विकास, इवोल्यूशन ऑफ डार्विन फिंचेज, सही बात है। इवोल्यूशन ऑफ मार्सुपियल, जिनमें बच्चे को रखने की होते, जैसे कंगारू है, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू है, वो भी क्या है, अडेप्टिव रेडिएशंस है। इवोल्यूशन ऑफ मेमेलियन फोर लिम्ब फॉर द डिफरेंट फंक्शंस, विभिन्न कार्यों के लिए स्तनधारियों के अग्रपादों का विकास हुआ क्या। जैसे हम बात करें, घोड़े की बात कर ले, तो घोड़ा क्या है, अग्रपाद क्या काम करेंगे, फोर लिम्ब क्या करेंगे, दौड़ने के काम में आएंगे, उसके रेडिएशन को काम दौड़ना था। हमारा काम है, हमारे जो फोर लिम्ब्स है वो किसमें काम आएंगे, टू कैच समथिंग, किसी चीज को पकड़ने के लिए काम में आएंगे। तो आंसर क्या आएगा बेटा, फोर्थ, उपरोक्त सभी। तो 91 में क्वेश्चन नंबर आंसर क्या है बेटा, फोर्थ आंसर है। क्लियर है बेटा? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92। व्हाट शुड बी टाइप ऑफ सिलेक्शन इन पॉपुलेशन इफ मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर द एनी वन वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू? मतलब एक समष्टि में होने वाले चयन को पहचानिए जिसमें मध्यमानी लक्षण, मीन कैरेक्टर वैल्यू क्या है बेटा, ज्यादा है, वो मैक्सिमम है। मतलब क्या हुआ, जिसमें मिनिमम कैरेक्टर्स हैं वो क्या होगा, ज्यादा। आपने स्नेल का देखा होगा, जब एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा होगा, कि जिनका कलर कैसा होगा, मिट्टी के रंग का होगा, वो क्या होंगे, ज्यादा। और वो कब होगा, जब वो हेटरोजाइगस कंडीशन में, आपको पढ़ाया होगा, ये कंडीशन आएगी। तो इसमें ये मीन, ये मेजर था, ये अलग था, लेकिन हुआ क्या, जब कलर क्या था, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये आगे चला। तो आंसर क्या हुआ बेटा, इसमें डायरेक्शनल सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, दिशात्मक चयन। क्लियर है बेटा? ओके okay. बात करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में, बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव प्रोजदा के सही क्रम को चुनिए। हमें पता है सबसे पहले क्या आया, ड्रायोफिथिकस आया, उसके बाद में रामाफिथिकस, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में होमो हैबिलिस। तो आंसर क्या आएगा बेटा इसका, सेकेंड आंसर। क्लियर? बात करते हैं, मैच द कैरेक्टर्स ऑफ कॉलम ए विद द कॉलम बी, कॉलम ए का या स्तंभ ए का मिलान कीजिए स्तंभ दो से। और बात कर रहे हैं यही किससे, ह्यूमन इवोल्यूशन के हम बात कर रहे हैं बेटा। देखिए, पहला, हेरी एंसेस्टर वॉक लाइक ए गोरिला एंड चिंपेंजी,
गोरिला और चिंपेंजी के तरह चलने वाले कौन थे? तो कौन थे बेटा? ड्रायोफिथिकस थे। तो इसका क्या आएगा? ड्रायोफिथिकस। एंसेस्टर विथ 650 एंड 800 सीसी ब्रेन साइज, 650 से 800 सीसी मस्तिष्क क्षमता किसकी थी बेटा? किसकी थी? होमो हैबिलिस की। क्या आया इसमें? तीन। बात करें, फॉसिल्स ऑफ दिस एंसेस्टर वाज डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891 में इसके जीवाश्म खोजे गए। तो किसके जीवाश्म खोजे गए थे बेटा? जावा मैन के। किसके? जावा मैन के। तो इसका आंसर क्या आया? मैचिंग टू। एंसेस्टर एशिया एंसेस्टर लिव्ड नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1,00,000 to 40,000 ईयर बैक। 1,00,000 to 40,000 वर्ष पूर्व है जो मध्य और पूर्वी एशिया में कौन थे बेटा? नियंडरथाल थे। क्या थे? नियंडरथाल। तो क्या आया? ए में 4, बी में 3, सी में 2 एंड डी में 1। आंसर विल बी सेकेंड बेटा। आंसर विल बी क्या होगा बेटा? सेकेंड होगा। क्लियर है? ओके। मूव टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इफेक्टिव फैक्टर फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पीशिएशन? एक स्पीसी निर्माण के लिए, एक नई जाति निर्माण के लिए कौन से फैक्टर को प्रभावशाली कारक नहीं समझा जाता? प्रभावशाली कारक क्यों, कैसे, किसको कहते हैं जिसके कारण क्या होगा बेटा कि कोई स्पीसीज, न्यू स्पीसीज का डेवलपमेंट होगा? पहला ऑप्शन यहां आपके पास दिया गया है, स्मॉल साइज पॉपुलेशन आइसोलेटेड इन लार्ज पॉपुलेशन। एक छोटे आकार की समष्टि को बड़ी समष्टि से विलगित हो, अलग हो जाती है, अलग जाके इन्वायरमेंट में अपने आप को ढालती है, और जहां पे जो अपने आप से उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्वाइव कर जाते हैं। मतलब मान लीजिए कोई यहां पे इक्वेटोर पोजीशन पे है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है, और उसको हम भेज दिए ध्रुवीय प्रदेशों में या तो नॉर्दर्न एरियाज में, तो वहां पे जितने जाएंगे वो जो अपने आप को अडेप्ट करेंगे, अडेप्ट करेंगे मतलब बल्ब ठंडे इलाके में गए तो वहां पे क्या होना चाहिए? वहां पे बल्बर होने चाहिए, उसकी स्किन मोटी हो जानी चाहिए, फैट डिपोजिशन हो जाना चाहिए, और क्या होना चाहिए उस पर फर आ जाना चाहिए, कलर व्हाइट होना चाहिए ताकि उसको प्रीडेटर शिकारियों से, शिकारी से वो बच सके। तो ये अगर जो जो धीरे धीरे अडेप्ट कर लेंगे वो वहां पे सर्वाइव करेंगे और उस और बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे, बाकी खत्म हो जाएंगे बेटा। तो पहला भी सही है, सॉरी पहला भी रिस्पॉन्सिबल है। जीन ड्रिफ्ट। जीन ड्रिफ्ट क्या होता है बेटा? आपने फाउंडर इफेक्ट पढ़ा होगा, संस्थापक प्रभाव पढ़ा होगा आपने, या बोटलनेक प्रभाव पढ़ा होगा कि मान लीजिए कोई एक इलाका है, उस इलाके से कुछ स्पीसीज किसी दूसरे इलाके में चली गई, दूसरी जगह पे चली गई। अब वहां का इन्वायरमेंट अलग है। मान लीजिए 5,000 स्पीसीज, 5,000 इंडिविजुअल्स वहां गए, उनमें से सर्वाइव कर पाए ओनली 100 सर्वाइव कर पाए। सर्वाइव क्यों कर पाए? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया उस इन्वायरमेंट के लिए। जो स्पीसी आई थी, जो जाति आई थी उस समय, वो अडेप्टेड नहीं थी, इन्होंने अडेप्ट कर लिया, तो इनमें नए कैरेक्टर्स आ गए बेटा, नए कैरेक्टर्स आ गए, और इन्होंने क्या किया? अब आगे रिप्रोडक्शन करना शुरू किया। तो उस जाति के लिए ये क्या हो गए? फाउंडर मेंबर हो गए। इसलिए इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या कहते हैं? फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फाउंडर इफेक्ट कहते हैं, संस्थापक प्रभाव। संस्थापक प्रभाव कहा जाता है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी सही है। जीन म्यूटेशन। जीन के अंदर कोई चेंजेस आ जाए, म्यूटेशन के बारे में ऑलरेडी आप काफी डिटेल में पढ़ चुके होंगे। म्यूटेशन का मतलब होता है हमारा जो जेनेटिक सीक्वेंस है उसमें चाहे केमिकल से या कंटिन्यूसली या डिसकंटिन्यूसली या रैंडम या स्लोली कोई भी एक म्यूटेशन हो जाए
और म्यूटेशन का मतलब है उसमें कुछ चेंज हो जाए, और जीन में जैसे चेंज होगा तो उसके कैरेक्टर्स में डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो ये भी क्या है, नई जाति के लिए जीन म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल है। रैंडम मेटिंग, रैंडम मेटिंग आप एनिमल हस्बेंड्री में पढ़े होंगे, रैंडम मेटिंग दो स्पीसीज के बीच में होगी और उसमें हम क्या करते हैं कि दो हैं एक क्लोज में रिलेशनशिप में ना करवा के दूर दूर के सेम स्पीसीज के बीच में क्या करवाते हैं, हम मेटिंग करवाते हैं, तो जनन करवाते हैं, संकरण करवाते हैं। तो उससे क्या होगा, है तो एक ही जाति के ना वो, तो ये होगा। तो आंसर वैसे इसने क्या पूछा है, कैन नॉट बी, तो कौन सा नहीं समझा जाता, यादृच्छिक प्रजनन बेटा, रैंडम मेटिंग। तो आंसर क्या आएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर आएगा 4 बेटा। ओके देख लीजिए एक बार, पढ़ लीजिए इसको बेटा एक बार। पढ़ लिया, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Which of the following is essentially required for a healthy person? निम्नलिखित में तो कौन सा एक स्वस्थ व्यक्ति में आवश्यक रूप से होना चाहिए? अगर हम ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में पढ़ें, तो हम ये देखेंगे कि स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है, स्वस्थ जो मेंटली फिजिकली फिजियोलॉजिकली एंड सोशियली, जो मेंटली परफेक्ट हो, जो फिजिकली परफेक्ट हो, शारीरिक दिमागी रूप से सही हो, शारीरिक रूप से सही हो, कार्य की रूप से सही हो, तथा सोशली सामाजिक रूप से सही हो। कोई आदमी तंदुरुस्त है, कार्य भी कर सकता है, लेकिन दिमागी रूप से पैदल है, हर किसी पे पत्थर फेंक रहा है, क्या हम उसको क्या बोलेंगे, क्या स्वस्थ मनुष्य बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। कोई आदमी है जो फिजिकली भी ठीक है, मेंटली भी ठीक है, लेकिन सोसाइटी में एक अलग ही माहौल, एक नेगेटिव एरा क्रिएट करता है, किसी के साथ बात नहीं करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, हेल्दी पर्सन, उसको भी हम साइको के वर्ड से बुलाएंगे। तो इसमें क्या होगा बेटा, पूर्ण मानसिक शारीरिक और सामाजिक सक्षमता, कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल फिटनेस। क्लियर है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ अमॉन्ग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, निम्नलिखित में कौन सा असंक्रामक रोग में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है? देखिए, टाइफाइड सालमोना टाइफी बैक्टीरिया के इंफेक्शन से होती है, लेकिन यह लीथल नहीं है, मृत्युदारक नहीं है। पूछा क्या गया है, नॉन इंफेक्शियस पूछा गया, क्या पूछा गया, नॉन इंफेक्शियस। कैंसर इंफेक्शियस नहीं है, लेकिन मृत्यु का बहुत बड़ा कारण है। इस समय जब अगर कैजुअलिटीज की बात की जाए बेटा, तो कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, कैंसर और एक्सीडेंट ज्यादातर यही डेथ के कोज बन रहे हैं। एड्स एक क्रोनिक है, बहुत लंबे समय चल सकता है, लेकिन ये क्या है, संक्रामक है ये सभी। तो आंसर क्या है बेटा, इसमें कैंसर है। क्लियर है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन पूछा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। सेलेक्ट द डिजीज इन विच इंफेक्शन अकर बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट एरोसोल रिलीज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। एक रोग को चुनिए जो रोगी की संक्रमित बिंदुओं को अंतःश्वसित करने या संक्रमित व्यक्ति की वस्तुओं को साझा रूप से उपयोग करने से फैलता है। सीधा सा मतलब है, कोई ऐसा इन्फेक्शन है, ऐसी एक डिजीज है जो क्या होगी, किसी की चीज वस्तु को काम में लेने से या किसी के पास में बैठने से या किसी ने छींक दिया और उसके उसी इन्वायरमेंट में आप, जिसको हम एरोसोल बोलते हैं, उसके कारण अगर वो हो तो उसको क्या बोलेंगे अपन। सबसे ज्यादा कौन सी आएगी, टाइफाइड, नहीं सालमोना टाइफाइड से, मलेरिया भी नहीं, डिसेंट्री भी हमें प्रोटोजोन डिजीज है, तो क्या होगा, निमोनिया।
निमोनिया डिजीज क्या होगी बेटा? निमोनिया डिजीज क्या होगी? ये इंफेक्शियस है, और क्या होगी? पास में बैठने या किसी और से इंफेक्शन से ये फैल जाएगी। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉमन कोल्ड। सामान्य जुखाम के संबंध में सत्य कथन क्या है? पहला कथन है राइनो वायरस आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉज इट। सही बात है, राइनो वायरस इसके लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल सही बात है, राइनो वायरस जिम्मेदार है बेटा इसके लिए। पैथोजन इन्फेक्ट द नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी पासेस बट नॉट इन द लंग्स। ये देख लेना, कॉमन कोल्ड और निमोनिया में यही फर्क है बेटा। ये कॉमन कोल्ड है, राइनो वायरस है, वो हमारे नेजल ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही जाता है, लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता। लेकिन निमोनिया वाला लंग्स को इन्फेक्ट करता है बेटा। तो ये भी बात सही है, फेफड़ों को नहीं। ये सामान्य रोग 3 से 7 दिनों के पश्चात समाप्त हो जाता है। डिजीज इज लॉस्ट जनरली आफ्टर 3 to 7 days। आप कभी जुखाम लगे तो डॉक्टर के पास जाते होंगे, तो डॉक्टर ये कहते हैं कि आपको मेडिसिन देते हैं, और वो कहते हैं कि 3 दिन में सही हो जाएगा। कोई आदमी हेल्दी पर्सन है, मतलब उसको जुखाम हुआ है, तो उनको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए जनरली, क्योंकि हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिकवर कर जाती है आफ्टर 3 days। तभी डॉक्टर ये कहते हैं कि 3 दिन के बाद अपने आप सही हो जाएगा। तो अगर उसमें क्या होता है कि अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाए, मान लीजिए आपको टेम्परेचर है, बुखार है, तो एंटीपायरेटिक ले लीजिए, दर्द है तो एंटी एनाल्जेसिक ले लीजिए आपको। क्लियर है बेटा? तो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आफ्टर 3 days क्या होगा, बॉडी ऑटोमेटिकली क्या कर लेगी, इसको रिकवर कर लेगी। तो ये भी बात सही है, तो सारे के सारे कथन सत्य है बेटा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट सिम्टम्स ऑफ राइनाइटिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन कोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन कोल्ड, सामान्य जुखाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सामान्य जुखाम। सॉर थ्रॉट एंड हॉर्डनेस, हमें पता है जुकाम जनरली हो ही जाती है 3-4 बार एक साल के अंदर, तो इन चीजों का तो हमें बिल्कुल पता है। क्या होगा? गले में दर्द, घरघराहट होना, सही बात है। कफ एंड स्नीजिंग, खांसी और छींकना, सही बात है। हेडेक, थोड़ा सरदर्द भी होता है। तो आंसर क्या आएगा बेटा? सारे के सारे सिम्टम्स सामान्य जुकाम के हैं, तो आंसर विल बी 4। आंसर क्या आएगा बेटा? 4 नंबर आंसर आएगा किसका? क्वेश्चन नंबर 100 का। क्लियर है? तो आप देख लीजिए, 100 में इजी सा पेपर था, सब कुछ इजी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। तो ओके, चलिए बेटा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। इन्फेक्शन ऑफ कॉमन कोल्ड कैन नॉट बी अकर। सामान्य जुखाम किसके द्वारा नहीं हो सकता? दरवाजों के संक्रमित हत्थे, कंप्यूटर, कीबोर्ड के माउस से हो सकता है, लिखा हुआ भी है एनसीईआरटी में। कि मान लीजिए कोई सामान्य जुखाम से ग्रसित आदमी है, उसने छींकी या खांसी आई, उसने हाथ को यूज किया, उसी हाथ से उसने कीबोर्ड पकड़ा या डोर हैंडल पकड़ा या बुक्स पकड़ी, तो वो राइनो वायरस उसके ऊपर चला जाएगा और दूसरा आदमी उसको पकड़ेगा, उसको लेगा और वो अपने चेहरे को टच करेगा, तो वो जा सकता है। तो ये तो सही बात है। संक्रमित पेन, किताब, कप्स, ये भी सही बात है। ऑर्थोपोड वाहक से, ऑर्थोपोडा वाहक, इसके लिए किसी कैरियर की जरूरत नहीं होती। जैसे मलेरिया के लिए नाफ्लीज है, एस्केरियस के लिए हाउस फ्लाई है, कॉकरोच है, इन चीज ऐसी कोई भी इसके लिए कैरियर की जरूरत नहीं होती। तो कौन सा गलत हुआ? ये तो गलत तो हमारे हिसाब से हुआ इस स्टेटमेंट के कारण, लेकिन पूछा ही कौन सा गया है? गलत पूछा गया है, कैन नॉट भी पूछा गया। तो आंसर विल बी 3rd बेटा, आंसर क्या आएगा? 3rd। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is incorrect and correct about typhoid fever?
टाइफाइड बुखार के संदर्भ में कौन सा गलत एवं कथन कौन सा सही है? बहुत सही बात है, इसमें एक दिमाग की बात है। पहला, रोग कारक छोटी आंत में दूषित जल और भोजन के द्वारा प्रवेश करता है तथा गंभीर अवस्था में आंत्र में छेद कर देता है। सही बात है, ये क्या करता है, ये वॉचर और फूड के साथ इंटेस्टाइन में जाता है और सीवियर कंडीशन के अंदर क्या करता है, ये परफोरेशन कर देता है, किसमें, हमारी इंटेस्टाइन में पोर कर देता है, छेद कर देता है। ये बात तो सही है, ये सही। सस्टेन हाई ग्रेड फीवर, बिल्कुल सही बात है, सस्टेन हाई ग्रेड फीवर होता है, लगातार बढ़ाने वाली तीव्रता का बुखार होता है। लेकिन यहां पे क्या किया है बेटा, यहां पे इन्होंने फोर्टनाइट दे दिया, जबकि होना क्या चाहिए 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर ये यहां पर 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस होता तो ये आंसर सही रहता। तो ये भी देखो, यहां पे भी क्या है, 39 डिग्री फॉरनाइट दे दिया। बच्चा सोचता है कि यस हाई सस्टेंड फीवर है, लगातार बना रहने बुखार है, और इस टेम्परेचर को डिनाई कर जाता है यहां पर, जो जहां पे जिस यूनिट में ये दिया गया है। तो ये क्या हो गया बेटा, गलत। भूख की कमी कब्ज सामान्य कमजोरी और रोग के सामान्य लक्षण है, सही बात है। लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन एंड जनरलाइज द वीकनेस ऑफ कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिजीज, यही तो इसके लक्षण है मैन, यही तो इसके सिम्टम्स है बेटा। साल्मोनेला टाइफी, बिल्कुल साल्मोनेला टाइफी ही क्या है, ये बैक्टीरिया जिसके कारण क्या होता है, टाइफाइड फैलता है। तो ये भी सही है। द पैथोजन ऑल्सो इन्फेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन एंड कॉज डायरिया, नहीं जी बेटा, ये डायरिया को कोज नहीं करते हैं बेटा, ये डायरिया को कोज नहीं करते हैं। तो ये भी आंसर क्या हुआ, गलत हुआ। तो राइट क्या हुआ, ए सी एंड डी, तो विच वन इज राइट, ए सी डी, और रॉन्ग कौन कौन है, बी एंड ई। तो आंसर विल बी सेकेंड, आंसर क्या है बेटा, सेकेंड आंसर है। एक बार इसको चेक कर लीजिए दोबारा बेटा, कर लिया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। चूज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट अमीबोइक डिसेंट्री, अमीबिये पेचिस के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। देखिए यहां पर अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई दिमाग नहीं है, सिर्फ शब्दों का हेर फेर किया गया है यहां पे। आपका वो सिंसियरिटी देखी गई है कि आप इस क्वेश्चन को कितनी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो बेटा। देखिए बात, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कथन का चयन कीजिए, क्लियर है बात। पहला, एंट अमीबा स्टोलिका एक प्रोटोजोवा परजीवी है जो बड़ी आंत को संक्रमित करता है। एंट अमीबा स्टोलाइटिका इज अ प्रोटोजोअन पैरासाइट विच इन्फेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही बात है, ये सही है ना, ये गलत तो है ही नहीं इसमें। चलिए, हाउस फ्लाई आर द मैकेनिकल कैरियर, दे ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फेसेस एंड ऑफ इन्फेक्ट पर्सन फूड एंड वाटर एंड कंटामिनेट देम, घरेलू मक्खियां वाहक होती हैं, परजीवियों को संक्रमित भोजन और जल के द्वारा दूषित करती हैं, यह भी सही बात है। कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिन क्रैम्प्स, स्टूल एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स आर कॉमन सिम्टम्स, कब्ज, उदरीय पेशी, ऐंठन, म्यूकस आना, श्लेष्मा आना, किसमें, रक्त मल के साथ, ये भी इसके क्या है,
लक्षण एमेबियोपेसिस के, ये भी सही है। पूछा क्या है? गलत कथन। चौथा कथन क्या है? अब इसको क्या मानना है हमें? इसको कथन मानना है। क्या मानना है? कथन। एक से अधिक कथन असत्य हैं, जबकि हमें पता है सारे के सारे कथन क्या है? सत्य हैं बेटा, सारे के सारे कथन सत्य हैं। तो इन चारों को कथन माने हमें, तो कौन सा कथन गलत हुआ? ये आया समझ में? सिर्फ शब्दों के हेर फेर से, क्योंकि यहां पे गलत और हम देखते हैं कि यार तीनों के तीनों सही है, और यहां पे एक से अधिक एक कथन को असत्य माना गया है। तो ऊपर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि चारों में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, लेकिन ये क्या कह रहा है? इनमें से एक से अधिक कथन असत्य है, जबकि हमें पता है सारे के सारे कथन क्या है? सत्य है। तो आंसर क्या है? 4। तो ये कहते हैं कि आप किस सिंसियरिटी के साथ किसी भी क्वेश्चन को रीड आउट करते हो और उसको समझते हो। क्यों? कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को इतनी जल्दबाजी में पढ़ते हैं कि करेक्ट और इनकरेक्ट को भूल जाते हैं, क्या पूछा है वो भूल जाते हैं। आजकल एक क्वेश्चन भी आते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, फिर चार कथन आएंगे, नीचे आप पूछा जाएगा विच वन इज करेक्ट और विच वन इज इनकरेक्ट। हम अपने आप अजम्पशन कर लेंगे कि जी पूछा गया है क्या, पर कौन सा कथन सत्य है। बस नीचे नहीं पूछते कि सत्य पूछा गया है असत्य, वहां पूछा जाएगा कि असत्य कौन सा है, और आपने अज्यूम कर लिया पहले से जल्दबाजी में फास्टली रीडिंग के चक्कर में कि हाँ जी पहला कथन सत्य है, फर्स्ट को ऑप्शन ओके कर दिया और वो गलत हो गया। जब देखते हैं कि भाई तीन तो सत्य थे, फोर्थ वाला क्या था? असत्य था। तो रीडिंग स्किल्स बहुत जरूरी होनी चाहिए विद द एक्यूरेसी, रीड फास्ट विद द एक्यूरेसी, यही किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का एक जो बेसिक टूल होते हैं, जो छोटी छोटी मैकेनिज्म होती है बढ़िया। अगर मैं बात करूं, कोई एक पेज को एक स्टूडेंट 2.5 मिनट में पढ़ सकता है विद द एक्यूरेसी, और एक एक पेज को 5 मिनट में पढ़ता है, तो वो 2.5 मिनट आगे हो गया एक्यूरेसी और टाइम के। और एग्जाम में सारा का सारा खेल ही किसका है बेटा? टाइम मैनेजमेंट का। क्लियर है? सो कीप इट माइंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्केरिस। एस्केरियस इसके बारे में सही कथन का चयन कीजिए। अब हमें सत्य कथन देखना है। इस रोग में व्यक्ति दूषित जल, सब्जियों, फलों द्वारा संक्रमण को अर्जित करता है। सही बात है। इस डिजीज पर्सन्स एक्वायर्स इंफेक्शंस थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल एसेट्रा। क्लियर बात है। अब देखना, कई बार बच्चे क्या हो, सही कथन पूरा पढ़ा, पहला ही सही है, चलो ओके कर दिया, 1 नंबर टिक कर दिया। भाई पूरे और तो बढ़ ले, जरूरी नहीं है कि पहला ही सही हो, दूसरा भी तो सही हो सकता है। इट इज इन इंटेस्टाइनल पैरासाइट इंटरनल ब्रेन ड्यू टू डैमेज ऑफ इंटेस्टाइन म्यूकोजा। जब गंभीर अवस्था हो जाती है या तो क्या करेगा, ये आंतरिक म्यूकोजा को क्षतिग्रस्त करेगा, जिससे क्या होगा, म्यूकोजा में क्या ब्लड सप्लाई को, तो वो क्या होगा, आंतरिक रक्त स्राव, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। एब्डोमिनल पेन, फीवर, एनीमिया, कॉन्स्टिपेशन आर द कॉमन सिम्टम्स। ये भी एस्केरिसिस का उदाहरण है। तो आंसर क्या आया? एस्केरिसिस का सॉरी एग्जांपल है, तो आंसर विल बी 4th बेटा। क्लियर है? कोई तकलीफ नहीं? चलिए क्लियर है। नेक्स्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर्स व्हेन ए फ्यू इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज कॉलोनाइज्ड एन आइलैंड एंड इट्स कॉल्ड एज। अच्छा क्वेश्चन है। आनुवांशिक अपवाद तब होता है जब एक जाति के कुछ विशिष्ट द्वीप पर रहना आरंभ कर देते हैं। अब यहां पे पहला है बोटलनेक इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, ये कोई एक इलाका है, ये कोई एक इलाका है बेटा, क्या है? और यहां पर कुछ स्पीसीज थी, तो लेकिन क्या हुआ, बाढ़ आई और कुछ हुआ, कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस हुआ, ज्योग्राफिकल चेंजेस हुआ, तो यहां पे पानी पानी भर गया, यहां पे स्पीसीज रह गई। अब यहां पे जितनी भी स्पीसीज है, अब इनमें जो, अब जो इन्वायरमेंट चेंज हुआ है
उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया, वो जीवित रहेंगे, बाकी क्या हो जाएंगे, अपने आप मर जाएंगे, और जो अपने आप को ढाल लिया वही आगे क्या करेंगे, पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। लेकिन फाउंडर इफेक्ट क्या कहता है, यहां पर मान लो बहुत सारी स्पीसीज थी, लेकिन कुछ ज्योग्राफिकल चेंजेस हुए, महाद्वीप बने, द्वीप बने, तो क्या हो गया, यहां से कुछ दूसरी जगह पे चले गए, या चारों तरफ पानी आ गए, एक अलग द्वीप बन गया, अलग चीज हो गई। अब यहां का एनवायरनमेंट और यहां का एनवायरनमेंट अलग अलग है बेटा। मान लीजिए यहां पे 10,000 गए, थोड़ी देर पहले भी बताया था, 10,000 गए, एनवायरनमेंट बिल्कुल ही अलग है, तो क्या होगा, इनमें से मान लीजिए 500 सर्वाइव किए और 500 क्या हो गए, सॉरी 9500 मर गए। अब ये अपने आप को क्या ढाल लिए, अपने आप को अडेप्ट कर लिया इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। अब यही क्या करेंगे, आगे पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, आगे पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, तो उस नए कैरेक्टर्स आ गए तो नई स्पीसीज होगी कि नहीं होगी, और नई स्पीसीज हो गई तो ये नई स्पीसीज को बढ़ा कौन रहे आगे, ये तो ये क्या हो गए, फाउंडर मेंबर हो गए, और इसी को ही बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। तो विशिष्ट द्वीप पर रहना आरंभ कर देते हैं, मतलब अपनी लोकेशन को छोड़ के, अपनी जो नेटिव पैलेस थे उनको छोड़ के दूसरी जगह में चले जाए, तो आंसर विल बी द फाउंडर इफेक्ट बेटा। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106। मैच द टाइप ऑफ इम्यूनिटी लिस्टेड इन द कॉमन विद देयर एग्जांपल्स। कौन से एग्जांपल्स के लिए कॉमन ये इम्यूनिटी है। पहला है नेचुरल एक्टिव, प्राकृतिक सक्रिय। दूसरा तो क्या होगा, प्राकृतिक सक्रिय, आनुवांशिक नहीं, नहीं नहीं, माता से भ्रूण, प्लेसेंटा से नहीं, एंटीसेम नहीं, प्राकृतिक रूप से संक्रमण से लड़कर। कई बार हमें इन्फेक्शन हो जाता है, हमारी बॉडी उसके खिलाफ क्या कर लेती है, एंटीबॉडी डेवलप कर लेती है। बाहर से कुछ नहीं किया, हमारे को इन्फेक्शन हुआ और हमने क्या किया, उसके खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप कर ली, तो पहले में क्या आएगा, फोर्थ। आर्टिफिशियल और कृत्रिम निष्क्रिय पैसिव, इसमें हम क्या करते हैं बेटा, आपको पता होगा आपने पोलियो वैक्सीन ली होगी, ली है ना, दो बूंद जिंदगी की, पोलियो ड्रॉप भी ली होगी। क्या करते हैं उसमें, एटेन्यूएटेड या उसको असक्रिय रूप से, जो पैथोजन है, जो रोग कारक है, उन्हीं को ही निष्क्रिय रूप में या इनएक्टिव फॉर्म में क्या करते हैं, बॉडी में डाल दिया जाता है, तो वो एक्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें एंटीजन तो होते ही हैं, और तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ क्या कर लेती है, एंटीबॉडी डेवलप कर लेती है और उसको स्टोर कर लेती है। तो फर्दर जब भी कोई इंफेक्शन लाइव आएगा तो उसको क्या करेगा, वो किल कर देगा बेटा। तो क्या आएगा उसका, थर्ड, कृत्रिम सक्रिय टीकाकरण द्वारा, और प्राकृतिक निष्क्रिय वो कैसे होगा बेटा, माता से भ्रूण में प्लेसेंटा द्वारा। तो आंसर क्या आया बेटा, आंसर क्या है इसका, फोर्थ आया, कौन सा, क्लियर है, इम्यूनिटी का क्वेश्चन है बेटा। A person who has recovered from an attack of smallpox develops which type of immunity? ये वही immunity है। ये आपको पता है smallpox? Variola? वेरियोलो वायरस से होता है कि नहीं होता, और फर्स्ट वैक्सीन किसने बनाई थी इसकी,
एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट वैक्सीन जो बनी थी, एक साथ में एक क्वेश्चन और हो जाएगा, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड फादर ऑफ व्हाट, क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है, नाइन्थ लास्ट केस इसका ये भी बता देते हैं अभी साथ में, लास्ट केस 1978 में रिपोर्ट हुआ था बेटा, और 1980 में WHO ने वर्ल्ड को इससे फ्री घोषित कर दिया। क्या कर दिया? फ्री। तो ये कैसे हुआ? तो इसका है बेटा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। पढ़ा होगा आपने एग्जाम्पल प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा के कारण, पिछली बार पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके। क्लियर है? ओके। फिर आता है एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज फाउंड इन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम किसमें पाया जाता है? हमने HIV की मैकेनिज्म देखी होगी, हमें पता है ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनाना। आपने एक सेंट्रल डोगमा पढ़ा होगा, डीएनए से डीएनए बनना कहलाता है रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है बेटा, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हुआ, आरएनए से डीएनए बनना। रिवर्स का मतलब क्या हो गया, उल्टा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब क्या होगा, डीएनए से क्या बनना है, सॉरी आरएनए बनना है। ठीक है, तो किसमें होगा, डीएनए से क्या बनना है, आरएनए, जबकि बनता है वैसे क्या बनना चाहिए, आरएनए से डीएनए बनना चाहिए। तो क्या होगा बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये आरएनए आपने HIV में पढ़ा होगा, आरएनए उपस्थित इनमें अनुपस्थित होता है, आरएनए विषाणु उपस्थित और अनुपस्थित दोनों हो सकता है, HIV की आपने मैकेनिज्म पढ़ी भी होगी। क्लियर है ना बेटा, पढ़ी है ना, जब डीएनए बनाते हैं वो, तो ये आरएनए क्योंकि मे बी प्रेजेंट, जरूरी नहीं है सारे आरएनए वायरस में ये हो, हेपेटाइटिस वाले आरएनए जो भी है वायरस, हेपेटाइटिस ACD इन जो वायरस है उनमें ये नहीं होता, लेकिन HIV में ये होता है। तो आंसर विल बी फोर्थ। इंटरफेरोंस आर प्रोड्यूस बाय, इंटरफेरोंस का उत्पादन होता है, ये गलती से उन्होंने हिंदी में नहीं किया, इंटरफेरोंस आर प्रोड्यूस बाय, इंटरफेरोन किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, पहला लिखा हुआ है सेल इंफेक्टेड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कोई इंफेक्टेड सेल है उससे, दूसरा सेल इंफेक्टेड बाय वायरस, वायरस से सेल इंफेक्टेड बाय द फंगस, बी लिम्फोसाइट है ये। तो मैं ये कह सकता हूं आपको बेटा, क्लियरली ये कह सकता हूं कि ये आपने पढ़ा होगा कि वायरस से इंफेक्टेड सेल से क्या होता है, रिलीज होता है। आपने पता होगा जैसे किसी सेल के अंदर वायरल इंफेक्शन हो जाता है तो वो क्या करता है, वो सेल एक इंटरफेरोन सिक्रीट करती है, और वो इंटरफेरोन क्या करती है, जो पास की दूसरी सेल्स हैं उसको उस इंफेक्शन से बचाने का काम करती है, वो कहती है मैं तो इंफेक्टेड हो गई लेकिन तू तो बच, है ना। अब ये होते कितने टाइप के हैं ये भी बता देते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अब अल्फा, बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा बाय एनी सेल्स, शरीर की कोई भी सेल्स जिसमें इन्फेक्शन हुआ है वो जब इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन होते ही क्या रिलीज करेगी, अल्फा या बीटा इंटरफेरोन करेगी, लेकिन गामा स्पेशली बाय नेचुरल किलर सेल्स एंड टी लिम्फोसाइट्स एंड बेटा टी लिम्फोसाइट, एंड टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट नहीं, इसलिए गलत हुआ है। गामा को
नेचुरल किलर सेल और टी लिम्फोसाइट सीक्रेट करेंगे सिर्फ, लेकिन जब अल्फा और बीटा है, इसको कोई भी सेल हो जिसमें वायरल इन्फेक्शन हो गया, विषाणु का इन्फेक्शन हो गया, वो उसको क्या करेगी, सीक्रेट करेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, क्लियर है? ओके नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 110। ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग मलेरिया इज करेक्ट एक्सेप्ट। अब देखिए ये भी पढ़ने की बात है, करेक्ट पूछा है लेकिन आगे क्या पूछ लिया, एक्सेप्ट, मतलब क्या पूछा है कि इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट। निम्न सभी कथन सही है केवल इसके की, ये भी क्या पूछा है, गलत। अब हम करेक्ट देखेंगे, पहला ही पता चलेगा, द फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो इज ए वेक्टर, मादा एनाफ्लीज मच्छर इसकी एक वाहक होती है, हमें पता है वाहक होती है, तो ये तो करेक्ट है, बिल्कुल जी करेक्ट है ये। इन अर्ली इंफेक्शन स्पोरोजाइट इंटर द हिपेटोसाइट, सही बात, सबसे पहले इंफेक्शन किसको करता है, हिपेटोसाइट को, जिसमें हिपेटोगेमी होता, गोनी होता है, हिपेटोगोनी से वो रिलीज होके मेगा और माइक्रो बनाते हैं, और मेगा माइक्रो किसको करता है, आरबीसी को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, और वहां पे इरिथ्रोसाइजोगोनी होता है ऊपर, इपेटोसाइजोगोनी, इरिथ्रोसाइजोगोनी के बाद में आरबीसी रैप्चर होती है, सिंगेटरिंग स्टेज होती है, आरबीसी रैप्चर होने से हिमोजाइन बाहर निकलता है, जो क्या करता है, हिमोजाइन क्या करता है बेटा, ठंड ठिठुरन और जवर, अब जिसको हम टेम्परेचर या बुखार फीवर पैदा करता है, तो ये भी आ गया, ये भी सही, ये भी सही। फोर्थ है, द प्रिंसिपल साइट ऑफ गैमेटोसाइट फॉर्मेशन इन द ह्यूमन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, नहीं बेटा, क्या होता है, ब्लड होता है, ब्लड में रिलीज होता है, आरबीसी रैप्चर होगी तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कहां जाएगी, तो क्या गलत हुआ, ये गलत हुआ, क्या गलत हुआ बेटा, क्या गलत हुआ, ये गलत हुआ, लेकिन आंसर क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या होगा बेटा, फोर्थ वन होगा, क्या होगा, फोर्थ वन इसका आंसर होगा, और बाकी तीनों क्या क्या है, तीनों के तीनों सही है, और ये क्या है, गलत है, और हमें पूछा क्या है बेटा, एक्सेप्ट पूछा है, तो गलत क्या होगा, ये वाला, इस तरीके से क्वेश्चन को रीड प्रॉपरली करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग ऑफ एल्वियोलाई विद एक्सेस म्यूकस एंड फ्लूइड विच रिड्यूस द डिफ्यूजन रेड गैसेस एंड हेंस कॉज ब्लूज पिगमेंटेशन टू डेवलप अंडर नेल्स कैन अकर ड्यूरिंग द इन्फेक्शन बाई, फेफड़ों में वायकोस में अत्यधिक स्लेष्मा और तरल का बनना जो गैसों के विसरण दर को कम करता है तथा नाखून के नीचे नीले रंग का वर्णक विकसित हो जाते हैं, दो सिम्टम्स है, तो हमें सीधा सा पता चल रहा है क्या है भाई, निमोनिया है, इसको निमोनिया है तो कौन करता है, हिमोफिलिस इन्फ्लुएंजी और डिप्लोकोकस न्यूमोनाई दोनों करते हैं, हिमोफिलिस इन्फ्लुएंजी कितना करता है, नियर अबाउट 50% ऑफ टोटल, और ये कितना करता है, लगभग 20% करता है बेटा, क्लेमाइडिया वो अलग चीज है दो, बट हमें तो दोनों क्या कर रहे हैं, ये किसका कारक है बेटा, निमोनिया का कारक है, किसका कारक है, निमोनिया का कारक है, तो आंसर क्या है बेटा, बोथ टू है, सेकेंड एंड थर्ड, क्लियर है, एक बार चेक कर लीजिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, सॉरी, हिमोफिलिस इन्फ्लुएंजी 20% होता है और निमोनिया 50% होता है, मैं उल्टा लिख दिया था, तो करेक्ट इट बेटा, ओके ठीक है बेटा। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ टाइफाइड, टाइफाइड के लक्षण नहीं है, सस्टेन्ड हाई फीवर अलोंग द वीकनेस, सही बात है, बुखार आती है
स्थायी बुखार आती है और कमजोरी आती है, पहली बात सही है। स्टोमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, ये भी थोड़ा ज्यादा, अगर टाइफाइड का इन्फेक्शन ज्यादा हो, सालमोनेला टाइफे का, तो ये भी होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट तो डेफिनेटली होती है। अपीयरेंस ऑफ द पेप्यूल्स एंड वेसिकल्स फिल्ड विद द क्लियर फ्लूड फर्स्ट ऑन स्किन ऑफ फेस देन ऑन ट्रंक, चेहरे पे त्वचा और फिर धड़ और स्पष्ट दर भरे पुटक और वेसिकल, ये लक्षण किसका है बेटा बताइए, किसका है ये लक्षण? स्मॉल पॉक्स का है। किसका नहीं है ये? टाइफाइड का नहीं है बेटा। तो आंसर क्या आया? फोर्थ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। फाइलेरिस इज द हेलमेंथीस डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्वोलन लिम्स कॉज बाय ए एंड बी एक्ट एज द वेक्टर फॉर द डिजीज, सेलेक्ट द ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक करेक्टली। मतलब क्या पूछ रहा है कि फाइलेरिस एक हेलमेंथीस जो पैरों में सूजन से परिलक्षित होता है, रिक्तस्थान के कारण होता है तथा बी इस रोग के वाह की तरह कार्य करता है, तो किसके कारण होता है? वाउचेरिया वर्म्फटाई, वाउचेरिया वर्म्फटाई के कारण होता है और मादा क्यूलेक्स मच्छर इसके लिए वाहक का काम करता है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो आंसर विल बी सेकेंड, सीधा सा क्वेश्चन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 114, द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फर्टिलाइजिंग लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के जीवन काल में, जीवन चक्र में युग्मक निर्माण और निषेचन का कहां होता है? हमें पता है जैसे ही आरबीसी रैप्चर होगी, मेगा गेमेटोसाइट, माइक्रो गेमेटोसाइट्स, तो मेगा क्या बनाएगा? फीमेल बनाएगा। माइक्रो क्या बनाएगा? मेल बनाएगा। ये दोनों जब कोई जो मच्छर जिसमें प्लाज्मोडियम नहीं है, स्पोरोजोइट नहीं है, वो जब बाइट करेगा तो उसके क्या गट या स्टोमक में क्या चला जाएगा? ये सारे के सारे गेमेटोसाइट चले जाएंगे, वहां पे ये डेवलप होंगे और मच्छर के ही अमाशय में या अमाशय के अंदर जाके क्या करेंगे, ये फर्टिलाइजेशन करेंगे, फिर वहां पे क्या करेंगे, स्पोरोगोनी गैमी करेंगे, मतलब वो युग्मक को किसमें बदलेंगे? स्पोरोजोइट में बदलेंगे, और वो स्पोरोजोइट उस मच्छर के मादा एनाफ्लीज या फीमेल एनाफ्लीज के सेलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि के अंदर स्टोर हो जाएंगे। अब ये जब मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटेगा, बाइट करेगा, तो ये उसके ब्लड के अंदर चले जाएंगे, फिर वही साइकिल दोबारा, हिपेटोसाइजोगमी, इरिथ्रोसाइजोगमी, वो सारी चीजें चलती रहेगी। तो कहाँ होती है बेटा? मनुष्य के अमाशय में। मनुष्य के रक्त में क्या होती है? इरिथ्रोसाइजोगेमी, साइजोगोनी। यकृत में होती है हिपेटोसाइजोगोमी, लार ग्रंथि में क्या होता है? स्टोरेज ऑफ स्पोरोजोइट्स, और मनुष्य के आरबीसी में वही चीज क्या? एरिथ्रोसाइजोगेमी होता है। तो अमाशय, मच्छर के अमाशय में क्या होगा? ये फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो आंसर विल बी सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। द स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट विच डज नॉट गेट डाइजेस्टेड इन मॉस्किटो स्टोमक व्हेन इट सक्स इन्फेक्टेड ब्लड इज, जब प्लाज्मोडियम परजीवी, वह अवस्था जो मच्छर को पेट में पाचित, मच्छर के पेट में पाचित नहीं होती, जब संक्रमित, मान लीजिए किसी को मलेरिया है, मेरे को मलेरिया है, मेरे को मच्छर ने काटा, तो काटते ही जैसे हम कोई चीज खाएंगे तो हमारे गट में, एस्टोमक में जाएगी, तो वो उसको क्या करेगी? किल करने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसे ही उसने ब्लड को सक किया, ब्लड को चूसा उसने, तो ब्लड चला गया और ब्लड के साथ में क्या गया? गेमेटोसाइट्स गए, चाहे फीमेल हो चाहे मेल गेमेटोसाइट हो, वो गए तो वो स्टोमक में डाइजेस्टेड, डाइजेस्ट नहीं होंगे। सिंगेटरिंग स्टेज तो किस में होगी? ह्यूमन में होगी। स्पोरोजोइट इन्फेक्शियस स्टेज है, क्रिप्टोजोइट्स भी ह्यूमन में होगी, तो क्या होगी? गेमेटोसाइट्स, जो आगे जाके मेल और फीमेल गेमिट बनाएंगे और
मेल गेमेटोसाइट, फीमेल गेमेटोसाइट, दोनों ने मिलके क्या करना है, क्या बनाना है? जायगोट, मतलब हम बोले तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन क्या बनाएगा, स्पोरोजोइट। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट क्या बनाएगा, स्पोरोजोइट। कहां होगा? वॉल ऑफ गट, वॉल ऑफ गट में होगा। और वहां बाद में स्टोर कहां रहेगा? स्टोर इन सेलाइवरी ग्लैंड। क्लियर है बेटा? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ बिस्टन बुटेले बेटुलेरिया, ब्लैक कलर कलर्ड फ्रॉम द बिकम डोमिनेंट ओवर द लाइट कलर फ्रॉम द इंग्लैंड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के समय काले रंग के बिस्टन बुटेले का हल्के रंग वाले पे प्रभावी हो जाना। प्रभावी होने का मतलब क्या है बेटा? इनकी नंबर ज्यादा होना, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा होना। एक बात समझते हैं, सबसे पहले कोई, ये बर्मिंघम की बात है, इंग्लैंड के बर्मिंघम जो जगह है वहां की बात है। सबसे पहले कोई इंडस्ट्री नहीं थी, तो कोई भी पोल्यूशन नहीं था। पेड़ों पे, पहाड़ों पे लाइकेन उगी हुई थी, लाइकेन, तो ग्रेस कलर हो गया लाइकेन का, पूरा चारों तरफ ग्रेस कलर हो गया। कोई पॉपुलेशन नहीं है, सॉरी कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं है। तो वहां पे ग्रे कलर और ब्लैक कलर के मौत, कोई व्हाइट कलर भी बोलता है इसको, ग्रे कलर के और ब्लैक कलर के मौत थे। अब एक चीज बताइए, ग्रे कलर वाला सराउंडिंग एटमोस्फेयर भी क्या है, चारों तरफ का वातावरण भी क्या है ग्रे कलर का, और वो खुद भी क्या है ग्रे कलर का, तो वो क्या होगा, उसमें अपने आप को छुपा लेगा। तो कोई भी शिकारी पक्षी या कोई भी प्रीडेटर है वो उसको मार नहीं पाएंगे, लेकिन ब्लैक कलर वाले तो इजीली विजिबल हो जाएंगे, इजीली वो दिखाई दे जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे बेटा, उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। धीरे धीरे क्या हुआ, इंडस्ट्री बढ़ने से क्या हुआ, सबसे पहले फ्यूल के, ईंधन के रूप में क्या यूज किया, कोयले को यूज किया। कोयलों से धुआं हुआ, धुआं से प्रदूषण, पोल्यूशन बढ़ा, और चारों तरफ धुआं ही धुआं, सोर्स क्या है, जमा हो गए। जमा होने के एनवायरमेंट क्या होगा, ब्लैक किस, काला काला सा हो गया। अब ब्लैक कलर वाले क्या हो गए, इनविजिबल, वो अपने आप को छुपाने लग गए, छुपाने में कामयाब रहे, लेकिन ग्रे कलर वाले क्या होंगे, दिखाई देने लग गए, विजिबल। तो प्रीडेटर ने किसको खत्म कर दिया, शिकारी ने ग्रे कलर को खत्म कर दिया। अब किसकी संख्या बढ़ गई, ब्लैक कलर वालों की बढ़ गई। धीरे धीरे क्या हुआ, इसके बाद में क्या हुआ, ईंधन के रूप में क्या यूज करने लगे, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने। जैसे ही फैक्ट्रीज या कारखानों में, औद्योगिक क्षेत्रों में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होने लगा, और इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या हुआ, पोल्यूशन कम हुआ, वापस लाइकेन का जमने लगी पेड़ पहाड़ों पर, वापस ग्रेस कलर हो गया, और वापस किसकी संख्या बढ़ गई, ग्रे कलर की बढ़ गई। तो एक डायरेक्शन हो रही है अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रीज, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलेंगे रे, बोलो, डायरेक्शनल सिलेक्शन। क्लियर है, आया समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। स्टोकास्टिक प्रोसेस, अच्छा क्वेश्चन है, प्रसंभाव्य प्रक्रिया। स्टोकास्टिक प्रोसेस का मतलब है कि क्या हो रहा है, नेचर में इवोल्यूशन हो रहा है, कोई चेंजेस हो रहा है, लेकिन कोई डायरेक्शनल नहीं है, कोई किसी के इफेक्टिव है, और अचानक हो सकता है। मान लीजिए किसी में म्यूटेशन हो गया, किसी में कोई चीज आ गई, मतलब कोई अचानक होने वाला, स्पॉन्टेनियस होने वाला चेंजेस नेचर या स्पीसीज के अंदर, वो क्या कहलाता है बेटा, स्टोकास्टिक कहलाता है। तो क्या होगा, इट इज ए चांस बेस्ड ऑन प्रोसेस इन नेचर, इट इज चांस बेस्ड प्रोसेस इन, प्रकृति में से एक मौका आधारित।
प्रकृति के कारण कुछ ना चाहे म्यूटेशन हो जाए, चाहे अल्ट्रावायलेट किरणों से हो जाए या किसी भी चीज से हो जाए, कोई और कोई चेंजेज आ जाए, तो वो चेंजेज या प्रकृति में कोई मतलब जो जियोग्राफिकल कोई डिस्टर्बेंस आ जाए उसके कारण नया नया क्लाइमेटिक एनवायरमेंट बन जाए, तो वो क्या होगा? ए चांस बेस्ड प्रोसेस इन द नेचर, प्रकृति के एक मौका आधारित प्रक्रिया है। एक बार इसको पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्लियर है? पढ़ लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट एड्स वायरस, द सेलेक्ट द ऑप्शन स्टेटिंग विच वंस आर ट्रू एंड विच वन आर फॉल्स। एड्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट को चुनिए जो गलत और सही है। पहला, एड्स वायरस कैन पास फ्रॉम इंफेक्टेड मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। एड्स वायरस प्लेसेंटा या अपरा के द्वारा माता से बच्चे के अंदर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है जी। क्या है ये? ट्रू है। एड्स वायरस विल माउंट एन अटैक ऑन सेल्स विथ CD4 रिसेप्टर। सही बात है, आपने मैकेनिज्म पढ़ी होगी कि सेल के CD4 रिसेप्टर से ये जुड़ता है, बाद में विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ये क्या बना लेता है? डीएनए, रो डीएनए, जो सेल के जो डीएनए होता है, जीनोम होता है, उसमें एंटर कर जाता है। तो ये भी क्या है बेटा? ट्रू है। हेल्पर टी सेल्स आर फैक्ट्री, फैक्ट्री नहीं है बेटा। टी एच सेल को ये कम करता है, रिड्यूस करता है। टी एच सेल क्या होती है बेटा? आपने देखा होगा कोई इंफेक्शन होता है तो एक मेजर कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बनता है, और हमारे इंफेक्शन को सबसे पहले कौन पहचानती है? टी हेल्पर सेल पहचानती है। कौन पहचानती है? टी हेल्पर सेल पहचानती है। टी हेल्पर सेल पहचानने के बाद में सबसे पहले वो बोलेगी किसको? एंटीबॉडी बनाने के लिए बोलेगी। बाद में क्या बोलेगी? मेमोरी सेल को बोलेगी कि भाई तू एक काम कर, इसके खिलाफ मेमोरी इकट्ठी कर ले कि दोबारा आए तो हमें जो चीजें बनाई इसके खिलाफ काम में ले लें। ये काम एंटीबॉडी बन गई, उसकी मेमोरी स्टोर होगी, उसके बाद में ये नेचुरल किलर सेल को बोलते हैं कि इसको खत्म कर दे, अब इसका कोई काम नहीं है। समझ में आई बात? तो एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करती है। दूसरी चीज जो टी सेल्स उनको, बी सेल्स को इसकी मेमोरी स्टोर करने का काम भी यही करती है किसी इंफेक्शन के खिलाफ, और फिर उसको मारने के लिए भी आदेश यही देती है। तो सबसे बड़ा काम क्या? टी। लेकिन एचआईवी क्या करता है? टीएच को कम कर देता है। अब टीएच को कम कर दिया तो कोई भी इंफेक्शन आए, चाहे वायरल इंफेक्शन हो, चाहे फंगल इंफेक्शन हो, चाहे बैक्टीरियल इंफेक्शन हो, तो हमारी बॉडी में इंफेक्शन तो हो गया लेकिन उसको पहचान ही नहीं पाए क्योंकि हमारी बॉडी में टीएच सेल नहीं है, तो आगे की प्रक्रिया होगी नहीं। तभी तो कहते हैं एचआईवी खुद कोई बीमारी नहीं है लेकिन बहुत सारी बीमारियों का एक ग्रुप है, कि इसके कारण क्या हुआ? टीएच सेल तो खत्म होती जाएंगी और कोई भी इंफेक्शन हुआ तो वो टिल डेथ, मृत्यु तक साथ रहेगा, कि उसको उसके खिलाफ कोई बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, वो काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो फर्स्ट कड़ी है, फर्स्ट जो उसका एक्शन ऑफ मैकेनिज्म वाला पार्ट है, वही इसने क्या कर दिया? कम कर दिया। तो ये फैक्ट्री नहीं होगी, ये क्या होगा? फॉल्स होगा बेटा। पीसीआर अब नियमित रूप से एचआईवी का पता लगाने के लिए उपयोग में लिया। पीसीआर पॉलीमर चेन रिएक्शन, उसमें कहते हैं डीएनए सेगमेंट की बहुत सारी कॉपी तैयार की जाती है, तो उसको चेक किया जाता है, नॉर्मल से मिलाया जाता है तो पता चले कि एचआईवी वाले से जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से जो डीएनए बना है वो भी जीनोम के अंदर प्रेजेंट है, तो इससे पता चल जाता है कि हाँ जी इसको एचआईवी है। तो आंसर ये भी क्या है? टी। तो फर्स्ट ट्रू, सेकेंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ ट्रू, तो आंसर विल बी फोर्थ बेटा। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी। स्किन की जो कार्सिनोमा, ब्लड को क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। सार्कोमा किससे बोलते हैं? जो कनेक्टिव टिश्यू,
कनेक्टिव टिश्यू का जो कैंसर है। लाइपोमा किसको बोलते हैं? बिलो द स्किन। चलो इस हिंदी लिख लेते हैं, त्वचा के नीचे जो कैंसर होता है। कार्सिनोजन जो होता है, जो क्या होता है, कैंसर कारक। कैंसर कारक। तो ल्यूकेमिया क्या होगा बेटा? ब्लड कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं ल्यूकेमिया को? ब्लड कैंसर बोला जाता है। तो आंसर क्या होगा बेटा? सेकंड। क्या होगा बेटा आंसर? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 120। द मोस्ट कॉमन इंफेक्शियस डिजीज इन मैन इज। मनुष्य में सबसे कॉमन इंफेक्शियस डिजीज, जो सबसे ज्यादा संक्रामक होती है। कैंसर संक्रामक नहीं है। जननांग हर्पीज, ये भी क्या है बेटा? मोस्ट कॉमन नहीं है। गोनेरिया भी, एसटीडीज हैं ये दोनों, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन नहीं है। कॉमन कोल्ड, जो एक एडल्ट में 4 से 5 या 6 बार एक साल में होती है, एक जनरल आइडिया है। किसी में नहीं होती तो किसी में ज्यादा होती है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। तो आंसर विल बी थर्ड, सामान्य सर्दी या कॉमन कोल्ड। बेटा कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। द यूज ऑफ इंटरफेरोंस अगेंस्ट कैंसर वॉज फाउंड टू बी इफेक्टिव। कैंसर के खिलाफ इंटरफेरोन का उपयोग प्रभावी हुआ था, क्योंकि पहली बात, कैंसर सेल्स आर रैपिडली डिवाइडिंग। हमें भी पता है रैपिडली डिवाइडिंग है, लेकिन इंटरफेरोन का क्या लेना देना है इससे? कैंसर कोशिकाएं संपर्क सदमन का गुण खो देती है। लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है बेटा? मान लीजिए एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये वृद्धि कर रही है, ये वृद्धि कर रही है, दोनों पास में आके इसने इसकी वृद्धि को रोक दिया और इसने इसकी वृद्धि को रोक दिया। मतलब उसने कहा कि तुम भी आगे मत बढ़, मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा। अब ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो गया, इसका टूट गया, तो ये क्या हो गया? वृद्धि करती गई और डेवलपमेंट करती गई, मतलब इसकी बाउंड्री तोड़ दी इसने। तो बात तो सही है, लेकिन इंटरफेरेंस क्या मतलब है इसका? इसका उपयोग होने का इसमें क्या लेना देना है? तीसरा, कैंसर सेल्स शो इंक्रीज टेलोमेरेज एक्टिविटी। सही बात है, लेकिन इस इंटरफेरोन का क्या है कि जो कैंसर कोशिका है वो हमारे शरीर की तो है। हमारी क्यों यूज किया जाता है इंटरफेरोन को? क्योंकि हमारी जो कोशिकाएं हैं वो, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचान नहीं पाता। वो ये नहीं पहचान पाता कि ये बाहर की है या हमारे हानिकारक है। तो क्या कैंसर प्रतिरक्षा प्रणाली और पहचान नष्ट होने से बचती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, जितना स्टार मार्क करना है उतना कर लीजिए इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि क्यों जरूरत है, क्योंकि कैंसर सेल, ये बातें तो ठीक है ऊपर वाली तो, लेकिन इंटरफेरोन की जरूरत है कि कैंसर सेल को हमारी इम्यूनिटी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी, तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी। क्योंकि हमारी सेल है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रही है, नॉन फंक्शनल है, तो इम्यूनिटी को क्या पता कि ये बाहर की पार्ट है या रोगकारक है या हमारे लिए डेंजरस है। क्लियर है बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। If a doctor finds the following symptoms in the patient, ए, अगर किसी डॉक्टर को रोगी निम्नलिखित लक्षण मिलते हैं, कौन कौन से बेटा? आंतरिक रक्त स्त्राव, इंटरनल ब्लीडिंग, मांसपेशियों में दर्द, फीवर, बुखार, एनीमिया खून की और आंतों में मार का अवरोध। डेंगू में बेटा, अगर बात करें डेंगू में, तो ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पासेज नहीं होती, मस्कुलर पेन होता है बहुत कम होता है। एस्क्रियस में एनीमिया नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन में इंटरनल ब्लीडिंग है इतना नहीं होता, सॉरी गलत बेटा, डेंगू में इंटेस्टाइन, कॉन्स्टिपेशन और मलेरिया, इसमें सारे नहीं होते। मलेरिया में क्या नहीं होता बेटा? इंटरनल ब्लीडिंग नहीं होती, सिर्फ आरबीसी रैप्चर होती है, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग नहीं होती।
मस्कुलर पेन मतलब अब बुखार होती है तो मस्कुलर पेन नहीं बोला जाता, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पासेज नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन में क्या होगा एनीमिया नहीं होता, डेंगू में क्या होता ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन नहीं होता, ये सारे लक्षण किसके हैं बेटा एस्केरियस, एस्केरियस में आंतरिक रक्तस्राव, मांसपेशियों में दर्द, बुखार, एनीमिया, आंतों के मार्ग का अवरोध सारा का सारा होता है। अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर क्या आएगा बेटा एस्केरियसिस। क्लियर है बेटा? Which of the following organized mainly related to AIDS? ये क्या है, बस पहला ही आ गया, National AIDS Control Organization, direct observed treatment, short treatment होता है, reproductive child health, ह्यूमन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो आंसर विल बी फर्स्ट नाको। कई बार मतलब ये मान लेते हैं कि एक एब्रीवेशन पूछी जाती है नीट में कि इसकी फुल फॉर्म क्या है ना, तो ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट द फिनोमिना ऑफ इंडस्ट्रियल मिलेनियम एक्सप्लेन औद्योगिक मिलेनियता घटना समझाती है। थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कुछ गहरे रंग के मोस समष्टि पहले से उपस्थित थे जिनकी संख्या प्रदूषण मुक्त क्षेत्र में बढ़ती गई। गहरे रंग के प्रदूषण मुक्त में नहीं बढ़ेगी बेटा, क्योंकि गहरे रंग का हो प्रदूषण मुक्त हो तो वो विजिबल हो जाएंगे, दिखाई देने लग जाएंगे। दूसरा, अचानक हुए परिवर्तन के कारण गहरे रंग के मौत की उत्पत्ति हुई, ये भी सही बात नहीं है नेचुरल सिलेक्शन में। औद्योगिक प्रदूषण के कारण प्राकृतिक वर्ण के चलते गहरे रंग की संख्या में मौत में तेजी जल्दी से हुई, यही तो पूछा था। प्रदूषण के कारण रंग गहरा हो गया, गहरे से गहरे कलर के मौत थे वो क्या सर्वाइव कर गए, ज्यादा हो गए। तो आंसर क्या है बेटा? क्लियर है? क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज, नई प्रजाति के विकास में अनुकूलित विकिरण का श्रेष्ठ उदाहरण है। पहले क्या पूछा है? श्रेष्ठ उदाहरण पूछा है। श्रेष्ठ उदाहरण का हमने सबसे बताया डार्विन फिंचेज। डार्विन फिंचेज का मतलब स्टार्टिंग में भी बताया था, डार्विन फिंचेज का मतलब क्या हुआ कि कोई ऑर्गेनिज्म या जो फिंचेज थी, जो बर्ड्स थी, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे फूड के रिक्वायरमेंट के लिए, स्पेस के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, अलग अलग जगह जाने लगी, अलग अलग तरह के अडेप्टेशन लेने पड़े। मान लीजिए पहले खाना था तो आराम से थे, फिर मान लीजिए खाना खाने के लिए डक करना पड़ा तो उनकी बीक चोंच बड़ी हो गई, गर्दन मजबूत हो गई, कहीं दूर चलना पड़ा तो उनके पैर मजबूत हो गए, कहीं बहुत दूर जाना पड़ा तो उड़ के जाना पड़ा तो पंख मजबूत हो गए, तो वो क्या पिछली वाली जाति से अलग, बिल्कुल ही अलग होगी। तभी डार्विन को वहां पे एक ही तरीके कितनी मिली, 20 तरीके की मिली बेटा। तो क्या हुआ, गैलापागोस पे फिंचू का उद्विकास। क्लियर है बेटा? तो आंसर क्या आया? फर्स्ट श्रेष्ठ उदाहरण। क्लियर है? Who used the term survival of the fittest first time? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट फर्स्ट वर्ड की, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हम जब मानते हैं तो हम डार्विन की थियरी को याद करते हैं। ये चार्ल्स डार्विन ने बताया, जो मजबूत होगा, जो ताकतवर होगा वो जिंदा रहेगा, जो कंपटीशन से, जो लड़ाई से जीत जाएगा वो ज्यादा रहेगा। लेकिन ये वर्ड किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंशन ने दिया था बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये कंफ्यूज करता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नाम लेते ही सीधा क्या आता है बेटा, क्या आता है सीधा कि डार्विन ही हो गया बेटा। क्लियर है? हार्डी विनबर्ग एक्सपेरिमेंट, पी स्क्वेयर प्लस टू पी क्यू इज इक्वल टू वन। तो आपको पता है P प्लस क्यू का, ये तो आप फिजिक्स में बहुत बार पढ़े होंगे, बायो में, तो ये किसको किसका खोलते हैं तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन।
तो ये क्या है, द्विपदीय विस्तार बाइनोमियल एक्सपेंशन किसका है बेटा? इजी सा क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन आता है नीट में, हर बार क्वेश्चन आता है नीट में कि पूछ लिया जाता है कि किसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी क्या नहीं होगी। क्लियर है? द टू की कंसेप्ट ऑफ डार्विन थियरीज, डार्विन सिद्धांत के प्रमुख दो अवधारणाएं क्या थी? पहला सबको पता है नेचुरल सिलेक्शन। अब जब धारणा लिखी गई तो वहां पे एडेप्टिव रेडिएशन उन चीजों को ना लिख के क्या लिखा गया, ब्रांचिंग डिसेंट लिखी गई। क्या लिखी गई? ब्रांचिंग डिसेंट। ये चीजें सारी सही है, चीजें सारी सही है, लेकिन जो प्रमुख अवधारणाएं थी, प्रमुख पोस्टुलेट्स था उनका, वो था ब्रांचिंग डिसेंट। ब्रांचिंग मतलब एक पेड़ है, उससे क्या होगी, ब्रांच निकल गई। कहा कि एक डार्विन फिंचेज पहले एक जैसी थी और इन्वायरमेंट के, वातावरण के के कारण वो अलग अलग तरह की, अलग अलग उसमें लक्षण पैदा हो गए, अलग अलग तरह की अडेप्टेशन हो गई, तो एक ब्रांच हो गई। एक ओरिजिन उनका सेम है, एक पहला मूल उसकी स्पीसीज एक ही थी, मूल जाति एक ही थी, उसके बाद वो अलग अलग हुई है। तो आंसर क्या आएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ब्रांचिंग एंड डिसेंट। बात सारी सही है, ऊपर वाली भी बात सही है डार्विन के कारण, लेकिन वहां लिखा क्या गया था, लिखा गया था क्या, पोस्टुलेट जो अवधारणाएं थी वहां ये लिखा गया था, ब्रांचिंग डिसेंट, शाखनी अवरोहण और प्राकृतिक वर्ण। क्लियर है बेटा? कोई तकलीफ नहीं? चलिए, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज डिस्कार्डेड विद वन ऑफ द एग्जांपल प्रूफ्स प्रोवाइडेड बाय। स्वतः उत्पत्ति के सिद्धांत को किसने परमाणु के साथ प्रायोगिक रूप से उसको खारिज किया? अगस्त वाइजमैन ने क्या किया था, इसने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी। मिलर एंड उरे ने एक्सपेरिमेंट प्रयोग से सरल अमीनो अम्ल का निर्माण किया, सिंपल अमीनो अम्ल का, अमीनो एसिड का। लुई पाश्चर ने बताया कि जीवों की उत्पत्ति जीवों से होती है, इसको क्या कर दिया, स्वतः उत्पत्ति को खत्म कर दिया। हेल्डेन ने क्या बताया था, कीमोजेनी बायोजेनी कोजिनोजेनी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, नॉट इवोल्यूशन, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ दिया था कि कैसे कोशर वेट बने, कैसे इओबायंट्स बने, कैसे प्रोटोबायंट्स बने। तो आंसर क्या आया, लुई पाश्चर। क्लियर है बेटा? ओके। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द थ्योरी विद द नेम ऑफ साइंटिस्ट प्रपोज, कौन सा सिद्धांत के साथ वैज्ञानिक के नाम का मिलान कीजिए। थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म अगस्त वाइजमैन ने दी थी साहब, बिल्कुल दी थी, कोई गलत बात नहीं है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ह्यूगो डी व्रीज ने नहीं दी थी, ह्यूगो डी व्रीज ने कौन सी दी थी, म्यूटेशन थ्योरी। कौन सी? म्यूटेशन थ्योरी दी थी। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये डार्विन नाम देके किसने दी थी, लैमार्क ने दी थी। थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द नेचुरल सिलेक्शन, ये ओपेरन नाम देके किसने दी थी, डार्विन ने दी। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। तो आंसर क्या आया, फर्स्ट, जन्मदर की सत्यता का सिद्धांत किसने दिया था, अगस्त वाइजमैन ने दिया था बेटा। क्लियर है? व्हाट इज जीन पूल, जीन पूल क्या है? अब जीन पूल का है कि कोई भी समष्टि है, एक जगह है, जगह में जो पॉपुलेशन है, उन पॉपुलेशन में कुल जीनों की संख्या को क्या बोला जाता है बेटा, जी जंतुओं की संख्या, पारिस्थितिक तंत्र, ये नहीं जंतु नहीं, किसी जीव में कुल जीनों की नहीं, समष्टि में कुल जीनों की, किसी जीव में नहीं, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, एक जैसी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में कुल जीनों की संख्या, मतलब सेम जीनों की संख्या कितनी है, उसको हम क्या कहते हैं, जीन पूल कहते हैं बेटा। क्लियर है? इट्स ओके। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इवोल्यूशन ऑफ वेब फीट इन द एक्वेटिक बर्ड्स ड्यू टू हैबिटेट, ये स्टेटमेंट किसने एक्सप्लेन किया? जलीय पक्षों के जालदार पैरों का उद्विकास। लेमार्क ने क्या कहा कि जिन जीवों को हम, जिन अंगों को हम ज्यादा यूज करते हैं वो ज्यादा डेवलप होते हैं। उन्होंने कहा कि हम अब हमारी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कर्मी रूपी प्रीसिसिया को यूज नहीं करते, वो वेस्टिजियल हो गई। हमारे विजडम टूथ को हम यूज नहीं कर रहे, वेस्टिजियल होता जा रहा है। हमारी जो ओरिकुलर मसल्स है, आपने देखा होगा कि कुत्ते या बिल्ली जो भी है वो क्या करते हैं, किसी तरफ से आवाज आती है तो वो कान को घुमा लेते हैं, गर्दन को। हम थोड़े समझदार हो गए, हम सोचा कि जहां से मधुर आवाज आ रही है तो उधर गर्दन घुमा के देख भी ले कौन बोल रहा है ना। तो धीरे धीरे हमने क्या किया, हमने ओरिकल मसल्स को यूज करना बंद कर दिया बेटा। तो ये क्या है, वेस्टिजियल हो गई। तो क्या बोला इसने, यूज एंड डिसयूज की थ्योरी की बात है। अब जलीय, जैसे जलीय जो बतख है, जलीय पक्षी है, वो पानी में तैरते हैं और वहां के क्या छोटी मछलियों का उनका शिकार करते हैं वो। अब पहले शुरू में क्या थे, वो पानी अंदर जाते थे तो दबने लगे और उड़ के वापस बैठते वापस, क्योंकि वो अपने आप को तैरने लायक नहीं बना पाए पानी पे। धीरे धीरे उन्होंने क्या स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने से बीच में क्या बन गए, जाल बन गए इनके, क्या बन गया, जाल बन गया। तो अब वो पानी के ऊपर आराम से है तो आराम से वो तैर सकता है। तो वो नेसेसिटी थी, वो आवश्यकता थी, और आवश्यकता के कारण उसमें क्या हो गया, ये डेवलपमेंट हो गया। तो किसने दिया था ये, लेमार्क ने, यूज एंड डिसयूज थ्योरी, अंगों के उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत दिया था। किसने बेटा, लेमार्क ने दिया था। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द प्रोवाइड्स करेक्ट सीक्वेंस इवेंट ओरिजिन स्पीसी अकॉर्डिंग द चार्ल्स डार्विन। डार्विन के अनुसार प्रजातियों की उत्पत्ति के घटनाओं का सही क्रम बताइए। पहला लिखा हुआ है नई प्रजातियों की उत्पत्ति, दूसरा है विभिन्नताएं तथा वंशानुगति, सबसे फिट का जीवित रहना, अस्तित्व के लिए संघर्ष, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, वेरिएशन, इनहेरिटेंस, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। सबसे पहले क्या होगा, बोलो भाई क्या होगा, सबसे पहले होगा अस्तित्व के लिए संघर्ष। तो पहला क्या होगा, कोई अस्तित्व के लिए संघर्ष करेगा। फिर क्या होगा, जो संघर्ष करेगा उसमें क्या आएंगी, विभिन्नताएं आएंगी। क्या आएंगी, विभिन्नताओं की वंशानुगति होगी। फिर क्या होगा, जो सबसे फिट होगा वो जीवित बचेगा, और बाद में क्या होगा, नई जाति का उद्भव हो जाएगा। तो 4-2-3-1, 4-2-3-1 आंसर विल बी थर्ड बेटा। क्लियर है, ओके। द डायग्राम बिलो शोन फोर स्पीसीज ऑफ बर्ड्स दैट इवॉल्व फ्रॉम द एंसेस्टर स्पीसीज हैड ए स्मॉल पॉइंटेड बीक। टुडे ऑल फोर स्पीसीज इनहैबिट द सेम आइलैंड। नीचे दिए गए चार पक्षियों का चित्र के प्रदर्शित किया गया है। इसका विकास एक समान पूर्वज जाति से हुआ है, एक समान जिसके एक छोटी नुकली चोंच थी, अन्य चारों के समान पे पाई जाती है। देखिए, इंक्रीज हो रही है, मतलब पहले चोंच को यूज करने की जरूरत कम पड़ी, बीक को यूज करने की जरूरत कम पड़ी, बाद में धीरे धीरे जब जरूरत पड़ी तो ये ज्यादा डेवलप होती गई। तो ये सिद्धांत किसने बताया था बेटा, किस लिए, क्यों जरूरत पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी, चोंच का मतलब क्या हो, क्या करेगा, मान लीजिए खाना है कीट के लिए, किसी और चीज के लिए खाना लेना है तो क्या करेंगे, वो प्रतिस्पर्धा करेंगे, और सीमित भोजन संसाधन में उत्पन्न स्पर्धा के कारण विभिन्न लक्षणों का चयन। आई समझ में, यहां पे समान लक्षणों नहीं, विभिन्न बताया है, विभिन्न लक्षणों का चयन हुआ है, जरूरत पड़ी उस हिसाब से उनमें डेवलपमेंट होता गया। ये किसका सिद्धांत था बेटा, किसका सिद्धांत था, ये डार्विन का सिद्धांत था, नेचुरल सिलेक्शन ऑफ थ्योरी बेटा। क्लियर है, एक बार पढ़िए इसको दोबारा। क्लियर है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द जेनेटिक इक्विलिब्रियम ऑफ द पॉपुलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक समष्टि की जीननी साम्यवस्था के अनुकूल आवश्यक नहीं होता है? आपसे ये क्या पूछा है कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल कब लागू होगा, और उसमें ये कहते हैं कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स है, जीन की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और सबसे पहली बात यही थी कि वो पॉपुलेशन बिग पॉपुलेशन होनी चाहिए, स्मॉल पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए। तो म्यूटेशन तो अब्सेंट होना ही होना चाहिए, सही बात थी। रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, क्योंकि रैंडम मेटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, वो उसकी जो स्ट्रेंथ है, जेनेटिक जो जीन पूल है, उसमें कुछ चेंजेस आने की चांसेस है। अब्सेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी होना चाहिए, तो क्या होगा, समष्टि का आकार छोटा होना ये रिक्वायर नहीं है। समष्टि का आकार क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, बिग होनी चाहिए बेटा। क्लियर है? अच्छा पेपर था, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी से थे, कुछ क्वेश्चन आपकी रीडिंग स्किल्स को भी देखने के लिए थे। तो होप यू आप अच्छा किए होंगे इस पेपर को, आप चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो यू आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो बेटा। बाय, टेक केयर, जय सी एल सी, जय हिंद।